द फोर अग्रीमेंट समरी इन हिंदी। दोस्तों, क्या आपको अपना पोटेंशियल पता है? आप लाइफ में कितना अचीव कर सकते हैं और अभी तक आपने कितना कर लिया है? अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। कहीं आप उस हाथी की तरह तो नहीं है जिसे रस्सी से बांध दिया गया हो और वह सोच बैठा है कि अब जिंदगी की परिधि उतनी ही है जितनी उस रस्सी की लंबाई है। तो आज इस किताब की समरी सुनिए और अपना ट्रू पोटेंशियल पहचानिए। ऑथर डॉन मिगेल रूएस। पार्ट वन, डोमेस्टिकेशन ब्रेन वॉश। हम सबको इस दुनिया ने डोमेस्टिकेट किया हुआ है, या दूसरे शब्दों में कहें तो ब्रेन वॉश किया है। हमारे अंदर ऐसे विचार भर दिए गए हैं कि हम लाइफ में कुछ बड़ा सोच ही नहीं पाते और इससे हम सिर्फ एक भ्रम की दुनिया में जी रहे होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि एक रिक्शे वाला सारी जिंदगी रिक्शा ही चलाता रहता है। वह कभी यह नहीं सोचता कि जो सेविंग्स हुई है उससे कोई अच्छा सा शोरूम या दुकान खोल लूं और लाइफ में कुछ क्वालिटी ले आऊं, क्योंकि उसने यह मान लिया है कि वह सिर्फ रिक्शा चलाने लायक ही है, क्योंकि समाज में रहकर उसने यही सब देखा सुना होता है, जिससे वह ब्रेन वॉश्ड हो चुका है और अब वह बड़ा सोचता ही नहीं है। इसी तरह मिडिल क्लास में पेरेंट्स कभी भी अपने बच्चों को ये नहीं कहते कि तुम फिल्म एक्टर या डायरेक्टर आदि बनो, बल्कि सबको भेड़ चाल में चलते हुए अपने बच्चों को डॉक्टर या इंजीनियर ही बनाना है, क्योंकि उनका ब्रेन वॉश हो रखा है और वे इस भ्रम में जी रहे हैं कि डॉक्टर और इंजीनियर ही बेस्ट जॉब ऑप्शंस है। और फिर यही चीज वे अपने बच्चों को सिखा देते हैं और यह क्रम चलता रहता है। तो इस तरह से हम सोसाइटी द्वारा डोमेस्टिकेटेड या ब्रेन वॉश्ड हो चुके हैं, जिसकी वजह से हम हमेशा इल्यूजन भ्रम में जीते हैं। तो इससे छुटकारा पाने के लिए लेखक ने ये तीन स्टेप्स बताए हैं। 1. अवेयरनेस। कभी भी भ्रम में न जिए। जो भी चीजें आज तक देखी सुनी है उनके बारे में तर्क करें। ऐसा न लगे कि आप हर चीज बेहोशी में किए जा रहे हो। 2. फॉरगिवनेस। लोग हमेशा अपनी बातों से आपको हर्ट करने की कोशिश करेंगे। उन बातों को दिल से लगाने की बजाय आप उन लोगों को माफ कर दें, ये सोचकर कि उन्हें सही ज्ञान ही नहीं है। आप सिर्फ अपने गोल पर केंद्रित रहे। 3. एक्शन। कभी भी निठले न बैठे, बल्कि हमेशा एक्शन लेते रहे। इससे आप अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते जाएंगे और आपकी निंदा करने वाले ही एक दिन आपका एग्जाम्पल देंगे। पार्ट 2। इस भाग में लेखक ने 4 अग्रीमेंट दिए हैं, जिन्हें अपनाकर आप सोसाइटी द्वारा किए गए हमारे ब्रेन वॉश से निजात पा सकते हैं। तो आइए अब इन चारों के बारे में पढ़ते हैं। अग्रीमेंट 1, कीप योर प्रॉमिस। पहला अग्रीमेंट है, अपनी बात के पक्के रहो। अगर आपने किसी काम के लिए कमिट किया है तो फिर उसे पूरी जिम्मेवारी से निभाओ। अगर किसी दोस्त को हेल्प करने का प्रॉमिस किया है तो उसे एंड तक निभाओ। ऐसा न हो कि बीच में ही उसे अकेला छोड़कर चले जाएं। इस दौरान बहुत सी प्रॉब्लम्स भी आ सकती है, लेकिन फिर भी दोस्ती निभाएं। कुछ लोग कुछ देर तक तो साथ देते हैं, लेकिन फिर प्रॉब्लम से घबरा कर दूसरे आदमी को अकेला छोड़ देते हैं। इससे उस दोस्त का आप पर ट्रस्ट ही खत्म हो जाएगा और आपकी रेप्यूटेशन भी खराब हो जाएगी, जिससे आप भी खुश नहीं रह पाओगे। अगर आपने किसी प्रोजेक्ट की जिम्मेवारी ली है तो उसे पूरा करें। अगर इस बीच कोई गलती हो तो उसे भी जिम्मेवारी के साथ स्वीकार करें। अपनी ईगो के चक्कर में दूसरों पर इल्जाम न लगा दें। अगर दूसरों में कमियां हैं तो उनको जज न करें। हर किसी में कोई न कोई कमी होती ही है, इसलिए लोगों की कमियों को नहीं बल्कि उनकी खूबियों को देखें और उनकी तारीफ करें। आप देखेंगे कि दूसरों को खुश करके ही आपको असली खुशी मिलती है। दूसरों की तारीफ करके आप कभी भी छोटे नहीं होते, बल्कि बड़े बन जाते हो। अग्रीमेंट 2, डोंट टेक थिंग्स पर्सनली। दूसरा अग्रीमेंट है, कभी भी दूसरों की नेगेटिव बातों को पर्सनली न लेना। आपने देखा होगा हर कहीं झगड़े का मुख्य कारण यही होता है कि दूसरे आदमी ने तीसरे आदमी को कुछ कहा होता है और वह तीसरा उसी बात से हर्ट हो गया होता है। जैसे बहू अपने पति से सास के बारे में शिकायत करते हुए यही कहती है कि सास हमेशा कमियां ही निकालती रहती है, या ऑफिस में एक कॉलीग अपने फ्रेंड से कहता है कि दूसरे ने उसे कोई चुभने वाली बात बोली है और इन सब से झगड़े हो जाते हैं। लेकिन लेखक कहता है कि अगर कोई हमें चुभने वाली या हर्ट करने वाली बात भी बोले तो उसे पर्सनली न ले, बल्कि सामने वाले को अज्ञानी जानकर माफ कर दे।
ये सोचें कि दूसरे के कहने से आप छोटे कैसे हो जाएंगे। जैसे कुत्ता अगर हाथी की कोई निंदा करे तो क्या सच में हाथी छोटा हो जाएगा? क्या हाथी को उससे झगड़ा शुरू कर देना चाहिए या उसे रोना शुरू कर देना चाहिए? लेकिन नहीं, हाथी इन बातों को कभी पर्सनली लेता ही नहीं है, क्योंकि उसे पता है कि वह क्या है। ठीक इसी तरह आपको भी याद रखना चाहिए कि आप क्या हो। दूसरे के कहने से आप बदल नहीं जाते। साथ ही आपको अपने बड़े गोल पर ही फोकस किए रहना चाहिए, और आपका बड़ा गोल होना चाहिए हमेशा दूसरों की हेल्प करना। लेखक कहते हैं कि अगर आप चीजों को पर्सनली नहीं लेंगे तो आपकी लाइफ से स्ट्रेस, एंग्जायटी, डिप्रेशन, ईर्ष्या, द्वेष आदि अपने आप ही दूर हो जाएंगे, और आप हमेशा खुश रहना शुरू कर देंगे। अग्रीमेंट 3, डोंट मेक असम्पशंस। तीसरा अग्रीमेंट है, कभी भी धारणा न बनाएं। बहुत बार हम दूसरे आदमी के प्रति एक धारणा बना लेते हैं। हम सोचने लगते हैं कि सामने वाला हमेशा हमारे लिए बुरा ही सोचता है, लेकिन हो सकता है कभी कभी उसे हमारे काम में सच में कोई जेन्युइन कमी दिखी हो। इसलिए लेखक कहते हैं कि अगर कोई आपको क्रिटिसाइज करे तो आप असम्पशन बनाने के बजाय उससे कम्युनिकेट करें। उससे क्वेश्चन पूछें कि प्लीज आप बता सकते हैं कि काम में क्या कमी रह गई है और उसे कैसे दूर किया जाए। अगर वह आदमी आपकी कमी बताता है तो पहले आप देखें कि क्या वह सही कह रहा है। अगर सच में सही कह रहा है तो उसे धन्यवाद बोले और उस कमी में सुधार कर ले। लेकिन अगर उसने बेवजह कमी निकाली है तो उस पर गुस्सा होने के बजाय उसे माफ कर दे, क्योंकि आप एक बड़े दिल वाले व्यक्ति हैं और हो सकता है दूसरा इतना दिल वाला ना हो। ऐसे लोगों को काइंडनेस की ज्यादा जरूरत होती है। शुरू में ऐसा करना मुश्किल लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे यह आपका नेचर बन जाएगा और सामने वाला आपके इस बर्ताव से खुद पर ही शर्मिंदा हो जाएगा और खुद को भी बदल लेगा। अग्रीमेंट 4, डू योर बेस्ट। चौथा अग्रीमेंट है, किसी भी काम को अपने बेस्ट तरीके से करना। आपने देखा होगा बहुत बार कर्मचारी अपनी जॉब से बहुत उदासीन प्रतीत होते हैं। वे सोचते हैं कि वे अपनी जॉब में फंस गए हैं। वे हर काम ऐसे करते हैं मानो किसी पर एहसान कर रहे हो। उनमें दूसरों के प्रति सेवा भाव ही नहीं होता। साथ ही वे जो भी काम कर रहे होते हैं वो इसलिए क्योंकि उन्हें इसकी सैलरी मिल रही होती है। लेखक कहते हैं कि यह एटीट्यूड गलत है। इससे जॉब करने वाला खुद ही दुखी रहता है, लेकिन अगर वह अपने काम को पूजा मानकर करे तो उसे जॉब करने में भी मजा आएगा और काम बोझ भी नहीं लगेगा। इसलिए हर आदमी को अपना काम दूसरे की हेल्प करने के नजरिए से करना चाहिए। इससे सामने वाला भी मन ही मन उसकी तारीफ भी करेगा और इज्जत भी। इससे उस वर्कर को खुद पर गर्व भी होगा। एक अच्छा क्लर्क वो माना जाएगा जो कभी भी अपने ऑफिस के बाहर लंबी कतार लगने ही न दे। बहुत से कर्मचारी बस टाल मटोल करके दूसरों को परेशान करते रहते हैं। इस तरह से तो हर जगह ऐसा होने लगेगा और वे खुद भी इस प्रॉब्लम को झेलेंगे। इसलिए पहले खुद एग्जाम्पल सेट करें, इससे दूसरे भी उस पर अमल करने लगेंगे और हर काम टाइम से होगा, जिससे देश भी तरक्की करेगा। पंक्चुअलिटी के मामले में जर्मनी के लोगों का कोई सानी नहीं है। उनकी ट्रेन देखकर आप घड़ी मिला सकते हैं। वहां ट्रेन का ड्राइवर भी इतनी शिद्दत से अपना काम करता है, इसलिए वह देश इतना छोटा होता हुआ भी इतना अमीर और खुशहाल है। अगर आपसे कोई फाइल अगले वेंसडे को मांगी गई है और अगर आप ट्यूजडे को ही उसे कम्पीट कर लेते हैं तभी माना जाएगा कि आप अपना बेस्ट दे रहे हैं। बहुत से लोग हफ्तों की देरी करते हैं और कहते हैं कि उन्होंने तो बेस्ट एफर्ट लगाया है, लेकिन दरअसल उसे सिर्फ वर्स्ट एफर्ट ही माना जाएगा। इसलिए बहानों के बजाय काम में जुटे। इससे आपकी एफिशिएंसी भी बढ़ेगी और लोगों में आपकी रिस्पेक्ट भी। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस YouTube चैनल रिच वानी को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने परिवार मित्रों के साथ जरूर शेयर करिए। भविष्य में आप और किस टॉपिक पर वीडियो देखना सुनना चाहते हैं उसके लिए कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।